स्टार्क इंडस्ट्रीज में स्वागत है, जहां प्लैनेट की सबसे शानदार टेक्नोलॉजी बनती है। इसलिए कई सारे विलन से चुराने की फिराक में रहते हैं और इस बार स्टिक पायलट है स्टीव कॉग। वैसे तो मैं किसी पहलवान को बुलाता, पर आज शनिवार है, यानी हम किस को निकले। क्या ये वाकई सही वक्त है कॉर्पोरेट वीडियो बनाने का? रिकॉर्ड करते रहो फ्राइडे, कॉम्पिटिशन की धज्जियां उठा देखकर इन्वेस्टर्स को बहुत मजा आता है। मशीन रॉकेट्स एंड थ्रस्टर्स और वो जस्ट हैमर ऑब्जेक्ट्स है ना, आजकल लोग इनोवेशन करना भूल गए हैं क्या? इनोवेशन का मतलब है पुराने आइडिया को नए तरीके से पेश करना। ज्यादा लोग यानी मजबूत थी इस बारे में चिंता हो रहा है। हमें अपने बड़े सारे पहलवान को बुला लेना चाहिए। पावर लेवल 15% है और यही आपकी जिंदा बाहर आने का चांस है। फ्राइडे बैकअप का इंतजाम करो। कम्युनिकेशन बंद हो गया, यानी पावर लेवल हुआ 10% दोनों के लिए। तो आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो। तुमने आने में देर कर दी। पहलवान तुम अकेले इन लोगों से क्यों मुकाबला कर रहे हो? मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया हल्क। ठीक, तोड़फोड़ करने के बदले हल्क सोता रहा। हमला क्या हुआ? मुझे तो पैलर तुमसे मिलकर अच्छा लगता है, लेकिन अब सही टाइम नहीं है। हाँ ठीक कहा तुमने, फिर से इंसान पर कैसे? पावर लेवल वापस 20%। आप फिर से हट जाओ, इस रूप में 5 सेकंड नहीं दे पाओगे। मेरे हिसाब से ये भी कुछ ज्यादा ही है। तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए मैं कुछ करूँ? हमेशा गुस्सा रहने वाले। मैंने पहले कभी मदद नहीं ली, मुझे इसकी जरूरत नहीं। वैसे तुम्हारे शरीर की बदबू हल्क से बुरी रहती है और किसी भी लड़ाई में तुम निकम्मे हो। और किसी लड़ाई से भागता नहीं। तुम हंस नहीं हो, इसलिए चुपचाप रहो, नहीं तो पिटोगे। दूर हट जाओ। तो तुम स्टार्क टेक से आइडिया भी चलाने लगे? ये इनोवेशन है और अब वक्त है कुछ रिफ्लेक्शन का। तुम्हारी बात का दम है, जो चाहिए था वो मिल गया, अब चलो जाओ मेरे साइड पर। इस बायो स्कैन के मुताबिक ब्रूस की गामा लेवल नॉर्मल से बहुत कम है, यानी उसके हिसाब से नॉर्मल। डोरे आखिर बात क्या है? हल्क दरअसल एक चलता फिरता गामा रिएक्टर है, पर किसी वजह से वो ठंडा हो गया है। उसे इससे शुरू नहीं कर सकते क्या? कैसे पता नहीं, शायद उसे माइक्रोवेव के पास बिठाने से कुछ हो, या फिर हमारी बिजली से। माइक्रोवेव बिजली? वो ऐसी सोच समझकर नापी हुई गामा वेव लेंथ थी जिसे दोबारा तैयार करना नामुमकिन है। शायद उसकी जरूरत न पड़े, तुम्हारे सेल्स अब भी बाकी बचा गामा रेडिएशन छोड़ रहे हैं। सही कहा फाल्कन, जैसे सुलगती चिंगारी, अगर लंबी देर तक सुलगती रहे तो फिर जल उठेगी। मुमकिन हुआ भी तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट तक पहुँचने में वक्त लगेगा। एक काम करो, फिलहाल बात को घुमा कर कहना बंद करो। वैसे कुछ अंदाजा है तुम्हारा स्टील कोर दोस्त कौन हो सकता है? आवाज तो जानी पहचानी पर कुछ याद नहीं आ रहा। आराम से सोचो, शायद तुम्हें याद आ जाए। बैंक में डाका पड़ा है, चलो चलें, मैं भी आ रहा हूँ। मामूली बैंक चोरी तो है। वो अबॉमिनेशन है। शायद अब मुझे जाकर ऑनलाइन हैकर्स को रोकना चाहिए।